हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल में जिसका नाम है लव लाइव विद रश्मि। फ्रेंड्स, आज मैं एक सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है लौकी के पराठे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि लौकी के पराठे कैसे बनाते हैं बहुत ही कम समय में, और इसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी के पराठे हैं। साथ ही मैं इनका लेयर्स वाला पराठा भी बना के दिखाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं। ये सबसे पहले मैंने ले लिया है लौकी। लौकी को छील के अच्छे से उसको ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, और आटा लिया है मैंने गेहूं का आटा। अब इन दोनों का प्रोपोर्शन जो है वो बताती हूँ, 1:2 है। अगर आप अपने घर की कोई भी कटोरी, ग्लास, कुछ भी ले ले एक बर्तन, और उससे ही माप के फिर आपको ये दोनों बनाना है। तो अगर आपने एक कटोरी लिया है ये ग्रेटेड लौकी, तो 2 कटोरी आपको गेहूं का आटा लेना है, ठीक है ना। अब उसके बाद चाहिए हमें घी, चाहिए घी या रिफाइंड ऑयल, आप जो भी यूज़ करते हो, और उसके साथ में रेड चिल्ली पाउडर, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, और सॉल्ट, सॉल्ट भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साथ में मैंने डाला है ये अजवाइन और मंगरेल है, ठीक है ना। ये अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो भी चलेगा, आप केवल चिल्ली पाउडर और इससे बना सकते हो, सॉल्ट से बना सकते हो। और थोड़ा सा पानी चाहिए हमें, पानी बहुत ही कम लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, ये जो ग्रेटेड लौकी है उसमें सॉल्ट डाल देना है, और सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सॉल्ट हम पहले इसलिए डालते हैं क्योंकि कोई भी जो सब्ज़ी होती है ना वो पानी छोड़ती है सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके। तो ये दूधी भी अभी पानी छोड़ेगा, और अगर पहले आप सॉल्ट नहीं डालोगे और साथ में आटा इसके साथ मिक्स करोगे ना, तो बाद में आपका जो गूदा हुआ आटा है वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा। तो इसको इस तरह से मिक्स कर दिया है अच्छे से, और मिक्स करके इसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो भी पानी निकलना है इसका वो निकल जाएगा। 1 मिनट हो गए हैं, और अब इसमें मैं अपना आटा डाल दूँगी, और ये जो मसाले थे, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और मंगरेल, और अब इनको अच्छे से मिक्स करना है। अभी पानी नहीं डालना है, पहले इन दोनों को, ये जो सारा है इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका जो भी पानी रहे वो आटे में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इस तरीके से ये देखिए हमारा आटा इस तरीके का हो गया है। इसका खुद का ही बहुत पानी होता है जिसकी वजह से आटा मिक्स हो जाता है इतना। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, पानी बहुत कम डालना है, धीरे धीरे ही डालेंगे। इस तरीके से जो थोड़ा हार्ड हो गया है उसको साइड करते जाएंगे। इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, तरीके से पूरा आटा मिक्स कर लूँगी मैं, और उसके बाद सब आटे को लेकर एक साथ मिक्स करना है। आटा हमारा ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है, अब हम थोड़ा सा घी लेंगे हाथ में इस तरीके से, और इसके ऊपर इस तरीके से लगा के 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था आटा को, अब इसको वापस से मिक्स करेंगे। आटा को थोड़ी देर छोड़ने से क्या होता है ना, ये आटा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और हमें इसको मिक्स करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। देखिए अब हम रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। ऐसा आटा लेंगे, तवा मैंने चढ़ा दिया है गैस पर गर्म होने के लिए। अब आटा लेके इसको ऐसा रोल कर लेंगे। इसकी जो साइज़ है ना, ये नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं हम, उसका 1.5 गुना लेना है। ये लगभग एक जो ऑरेंज होता है ना उसके साइज़ का है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा लेके चकले पर रखेंगे, और इस तरीके से दोनों साइड आटा लगा देंगे। और जब हम बेलते हैं ना, चकला के नीचे एक कपड़ा रख लेंगे ताकि वो स्लिप ना करे।
अब इसको हल्के हाथों से इस तरीके से घुमाते हुए बेलते जाना। बीच में अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा और आटा लेके इस पे लगा देंगे और वापस से इसको बेलेंगे इस तरीके से। ये जो हमारी नॉर्मल रोटी होती है उससे थोड़ा मोटा बनेगा ये। ये देखिए इसका थिकनेस। अब इसको लेके तवे पर डाल देंगे। ये थोड़ी देर में ही इसको हम पलट लेंगे। देखिए इस साइड इस तरीके का है, हल्का सा पका है, इसको पलट लेंगे। अब दूसरे साइड अच्छे से पकाएंगे, बीच बीच में इस तरीके से चेक करते रहेंगे। थोड़ा सा घी इस तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे। एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से फैला देंगे और इसको प्रेस करते रहेंगे। देखिए प्रेस करने से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा फूल रहा है। अब इसको पलट लेंगे। अब इसी तरह से इस साइड भी घी लगा लेंगे और इसकी मदद से फैला लेंगे और इसको दबा दबा के सेकेंगे। ये देखिए दबाने से क्या होता है कि ये थोड़ा थोड़ा फूल जाती है, चपाती की तरह नहीं फूलेगी ये रोटी की तरह, बट थोड़ा और आँच हम थोड़ा मीडियम रखेंगे। इस तरीके से अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको इसी से लेयर वाला पराठा बना के दिखाती हूँ। इसी तरह ले लेंगे लोई, उससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे आटा डस्ट करके इसको बेल लेंगे। इस तरीके से इसको बेल लिया। अब इसमें घी अच्छे तरीके से लगा देंगे। और अब इसको सेंटर से इस तरीके से स्पून की मदद से ऐसा एक कट लगा देंगे। अब इनको इस तरीके से रोल करना है, इस तरीके से रोल करते जाना है। ये देखिए कोन के शेप का हो गया। अब इसको इस तरीके से ऐसा प्रेस कर देंगे। अब दोबारा से थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। अगर आपको कभी भी लगे कि वो चिपक रहा है तो थोड़ा सा और आटा डस्ट कर देंगे और अब इसको हाथ में लेके वापस से जो हमारा तवा है उस पर डाल देंगे। अब इसको पलट लेंगे। जो पहला वाला पराठा बनाया था हमने उससे ये थोड़ा मोटा है। अब इसमें उसी तरह थोड़ा सा घी लगाएंगे। और फैला लेंगे दबा दबा के, इसको सेक लेंगे एक तरफ से, वापस से इसको पलट लेंगे। पलट के इसमें दोबारा से घी लगा लेंगे और वापस से इस तरीके से दबा दबा के इसको अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेना है।
हमारे दूधी के पराठे बनकर रेडी हो गए हैं, लेयर्स वाले। और ये बिल्कुल बाजार के लेयर्स वाले पराठे जैसे दिख रहे हैं, इनकी लेयर्स बहुत अच्छी आई है। ये देखिए, तोड़ने में भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। खा के बताती हूँ, यम, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये दूधी के पराठे हैं। तो अब फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और हाँ, बनाना ज़रूर घर पे, ठीक है? और मुझे कमेंट करके बताना कैसा बना है। तब तक मैं अपने पराठे इंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू लाइफ।